बात करें यहाँ से अगर खाद्य तेल की, तो खाद्य तेलों में हम देख रहे हैं कि लगातार सरकार एक के बाद एक खाद्य तेलों पर फैसला लेती हुई नज़र आ रही है। सरकार ने पहले एक पोर्टल पर जानकारी देने के लिए व्यापारियों को कहा कि सरकारी पोर्टल पर सारे के सारे व्यापारी, एक्सपोर्टर्स, मिलर्स, सारे के सारे अपने उनके पास जितना भी स्टॉक है सरसों का, सोयाबीन का, उसकी जानकारी देंगे, अपने तेल तिलहन के स्टॉक की जानकारी देंगे। इसकी वजह से खाद्य तेलों में एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी, बाज़ार में काला बाज़ारी कम देखने को मिलेगी, कीमतों में ज़्यादा घटबढ़ नहीं देखने को मिलेगी। पहला, सरकार ने ये कदम उठाया। अब दूसरा, सरकार ने खाद्य तेल पर स्टॉक लिमिट लगा दी, कि जैसे पहले सरकार ने चने के ऊपर, दलहन के ऊपर स्टॉक लिमिट लगाई थी कि जो व्यापारी हैं दलहन का स्टॉक इससे ज़्यादा नहीं रख सकते, ठीक उसी तरह सरकार ने अब खाद्य तेलों के ऊपर भी स्टॉक लिमिट लगा दी है। और अब कल के कार्रवाई सत्र में सरकार का एक और बड़ा कदम खाद्य तेलों के ऊपर निकल के सामने आया, जो कि ये रहा कि जो कस्टम ड्यूटी है और जो एग्री सेस है वो घटाया गया है, जिसकी वजह से खाद्य तेलों की कीमतों में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है। और इसी का ही नतीजा हम देख रहे हैं कि खाद्य तेलों का वायदा बाजार आज NCDX पर एक लाल निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। देख रहे हैं कि यहाँ पे सरसों का नवंबर वायदा 8072 पर है 1% की गिरावट के साथ, रिफाइंड सोया तेल का अक्टूबर वायदा 1263 पर 0.5% की करेक्शन के साथ, और सोयाबीन का अक्टूबर वायदा 5321 पर है 1% की करेक्शन के साथ। देख रहे हैं कि खाद्य तेलों का वायदा बाजार आज एक लाल निशान पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल सरकार एक्शन तो ले रही है एक के बाद एक, सरकार चाहती भी है कि उपभोक्ताओं को त्योहारी सीजन में खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों से राहत मिल सके, लेकिन जो कीमतें हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ही कम होती हैं। पहले जो पहले कीमतें थी साल भर की, अगर साल भर पहले की बात करें तो साल भर पहले सरसों तेल का जो एक लीटर का दाम था वो 90 रुपये 100 रुपये लीटर था, मैक्सिमम 120 रुपये अगर कोई अच्छी कंपनी का लेते हैं, लेकिन आज देख रहे हैं कि 200 का आंकड़ा पार कर चुका है, 200 रुपये प्रति लीटर का आंकड़ा पार कर चुका है सरसों तेल। और अगर रिफाइंड की बात करें तो रिफाइंड भी लगभग इसी दायरे में ही देखने को मिलते हैं, हालांकि इतने महंगे नहीं हैं लेकिन उससे कम है कीमतें सरसों तेल के से कम है बाकी खाद्य तेलों की, लेकिन उनके तेलों में भी कीमतें बढ़ती, तेलों की जो कीमतें थी उनकी वो भी बढ़ती हुई नज़र आई हैं, क्योंकि सरसों की कीमतें बढ़ी हैं। दरअसल सबसे पहले सरसों की बात करेंगे खाद्य तेलों के अंदर, तो सरसों की बुवाई इस बार ज़्यादा देखने को मिली, प्रोडक्शन भी ठीक ठाक ही है, लेकिन जब सरसों की आवकें हुई मंडियों के अंदर तो पाइपलाइन, जो सरसों की पाइपलाइन थी, जो स्टॉक था, किसी के भी पास मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से सरसों की मंडियों में आते ही खरीद हो जा रही थी। पुरानी सरसों की मांग ज़्यादा हो रही थी, नई की कम, क्योंकि नई सरसों की जब आवक होती है तो नई सरसों में नमी की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से पुरानी सरसों की डिमांड बढ़ जाती है। तो जो तेल मिल रहे थे, व्यापारी थे बड़े बड़े, सब ने सरसों की खरीद ज़्यादा करी, तेल सरसों की पेराई भी ज़्यादा होती रही, तेल भी मार्केट में साथ के साथ उतरता रहा। लेकिन जब देखा कि सरसों की पेराई ज़्यादा हो रही है, सेंटीमेंट्स तेज़ी के बनते जा रहे हैं, तो सरसों की जो कीमतें हैं वो बढ़ती चली गई, और जो छोटी मिल्स थी, पेराई मिलें थी, वो ऊंची कीमतों पर सरसों की इतनी खरीद नहीं कर पाई, जिसकी वजह से उनकी लागत नहीं निकल पाई। और अब इसी का नतीजा है कि उन पेराई मिलों को बंद होना पड़ा जो स्टॉक नहीं कर पाई सरसों की ऊंची कीमत रहने का। ये तो पेराई मिलें थी। आपको बता दें कि जो सरकारी एजेंसियां हैं हैफेड और नैफेड भी, वो भी सरसों की ऊंची कीमतों पर खरीद नहीं कर पाई हैं, क्योंकि सरसों की कीमतें ज़्यादा देखने को मिली थी, जिसकी वजह से वो भी सरसों की ऊंची कीमतों पर खरीद नहीं कर पाई। हालांकि जो व्यापारी थे उनका यही कहना था कि सरकार को भी सरसों की बिजाई के लिए, बुआई के लिए पहले से ही स्टॉक कर लेना चाहिए, नहीं तो सोयाबीन की बुआई के समय जो क्राइसिस हुए थे, जो संकट आया था सोयाबीन के बीजों की किल्लत का, वो भी सरसों की बुआई के समय देखने को मिल सकता है। अब सरसों की बुआई चालू हो जाएगी और कई राज्यों में हो भी गई है, और जो फसल होगी वो फरवरी या मार्च तक ही आएगी, और तब तक जो स्टॉक है वो कम ही देखने को मिल रहा है, लगभग 30 लाख टन एक महीना पहले बताया गया था, जिसमें से अब कुछ खप भी गया होगा, और किसानों के पास 10 से 15 लाख टन है जिसमें से लगातार दिन प्रतिदिन खपता ही जा रहा है। तो स्टॉक कम है और जो किसान है वो भी अपनी सरसों की जो उपज है रोक रोक कर मंडियों में ला रहे हैं, कुछ किसानों ने रोकी हुई है। किसान चाहते हैं कि वो अपनी सरसों की फसल तभी मंडियों में उतारे जब नई सरसों की फसल आ जाए,
क्योंकि जब नई सरसों की आवक होगी, नई फसल आएगी मंडियों के अंदर, तब नई फसल में जो सरसों की जो नई फसल होगी उसमें नमी की मात्रा ज़्यादा होगी, मॉइस्चर ज़्यादा देखने को मिलेगा, और जबकि पुरानी सरसों की जो मांग होगी वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो किसानों ने उस समय का लाभ उठाने के लिए अपनी सरसों की फसल को अभी रोक के रखा हुआ है, जिससे कि किसानों की लागत अच्छे से निकल पाए। क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता है कि सरसों की जो कीमतें हैं इतनी अच्छी मिलती हैं, बम्पर मिलती हैं, और किसानों की लागत भी निकल जाती है। तो इस बार किसानों को जो सरसों है वो काला सोने के रूप में साबित होती भी नज़र आ रही है, और आने वाले समय में जैसे सर्दियाँ आ जाएंगी तो सरसों तेल की जो डिमांड है वो बढ़ेगी, और दूसरा जो प्राइसेज हैं वो भी बढ़ते हुए ही नज़र आएंगे। तो किसानों को सरसों के दाम अभी और अच्छे मिलने बाकी हैं, तो किसानों से एक दरख्वास्त आएगी, तो किसानों किसी के बहकाए में ना आए, किसी खबर के या अफवाह के चक्कर में ना आए कि दाम घट गए हैं बढ़ गए हैं। एक अफवाह उड़ती है जो सारे में फैलती है और दाम घट जाते हैं, तो किसानों को सोच समझ कर सतर्क रहने की आवश्यकता ज़्यादा है।